नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की कहानी है एक फेमस आरजे एंड वीजे, एक वर्सटाइल फिल्म एंड टीवी एक्टर एंड इनक्रेडिबल पॉडकास्टर सलील आचार्य की। दोस्तों, सलील आचार्य वही शख्स है जिन्हें आप आज से पहले कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे कई सारे हिट टीवी सीरियल्स में अभिनय करते देख चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और छोटे पर्दे पर अच्छे अभिनय के कारण इन्हें मौका मिला बड़े पर्दे पर अभिनय करने का। फिर बड़े पर्दे पर भी इन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। जी हाँ, इन्होंने आशिकी 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में काम किया। वहीं आवारा पन, 3 AM और भी कई सारी मूवीज में ये नजर आ चुके हैं। इन दिनों कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ ऑफसेट विद सलील नामक पॉडकास्ट चैनल पर स्पॉटिफाई के साथ भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, सलील आचार्य एक अनुभवी शख्स हैं। जी हाँ, इनका अब तक का सफर वाकई में काफी बेहतरीन रहा। आपको बता दें, रेडियो मिर्ची के साथ इंडिया में फर्स्ट रेडियो जॉकी के रूप में इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और 15 सालों तक काम किया। जी हाँ, ये उस वक्त के फेमस रेडियो जॉकी हुआ करते थे जिन्होंने लोगों को खूब एंटरटेन किया। दिल्ली में जन्मे सलील आचार्य अपने स्कूल टाइम से ही काफी ब्राइट स्टूडेंट थे। इनकी हिंदी वाकई में काफी अच्छी थी और अपनी अच्छी हिंदी और खूबसूरत आवाज ने ही इन्हें बनाया आरजे। फिर अपने गुड लुक्स एंड अच्छी पर्सनालिटी के चलते इन्होंने सीधा बॉलीवुड में एंट्री ली और एक आरजे से बन गए एक वर्सटाइल फिल्म एंड टीवी एक्टर। हाल फिलहाल ये एक पॉडकास्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह मुंबई जैसी माया नगरी में आकर इन्होंने अकेले अपने बलबूते अपना करियर चमकाया और लाइफ में आए हर मौके पर शानदार चौका मारा और ये साबित कर दिखाया कि चाहे फील्ड कोई भी हो, ये हर फील्ड में सबसे बेस्ट है। दोस्तों, इनके बारे में ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं। जी हाँ, इनके काम की तारीफ हर वो शख्स करता है जो इनसे जुड़ता है, जो इनके साथ काम करता है। तो दोस्तों, एक कलाकार के लिए इससे बड़ी, इससे अच्छी, बेहतरीन बात और क्या हो सकती है कि उसके काम की हर जगह सराहना हो। दोस्तों, आज भी ये अपने जीवन में और भी अच्छे काम करने की आशा, उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। सलील आचार्य के लाइफ की सक्सेस जर्नी में अभी ऐसी और कई सारी अनसुनी बातें हैं जो सुनना बाकी है। तो दोस्तों, आइए अब सीधा मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान सलील आचार्य से और इनकी अपनी जुबानी, इनकी खूबसूरत अंदाज में सुनते हैं इनकी लाइफ की ये पूरी कहानी। My name is Salil Acharya. I've been a professional in the media world for the last 20 years now. Radio for about 15 years. I was India's first private FM jockey in Hindi. Yes, Radio Mirchi ke saath 2002 meri shuruaat hui. फिर मैंने बहुत टेलीविजन सीरियल्स किए, सारे वो के सीरियल्स, सॉटी क्योंकि वगैरह, फिल्में की, हमारा अपन, फिर 3 AM, आशिकी 2, एंड आफ्टर दैट आई मूव्ड ऑन, कंटिन्यूड विद रेडियो, स्टार्टेड पॉडकास्ट विद स्पॉटिफाई अबाउट अ ईयर बैक, ऑफ स्क्रिप्ट विद सलील, जो अब तीसरे सीजन में आ रहा है, एंड वी वर द पायनियर्स इन दैट, एंड सो दैट एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द माइक आई हैव बीन दैट, एंड देन ऑफ कोर्स एज अ प्रोडक्शन हाउस, SS Productions, I have a production that creates digital content, creates inside entertainment, and we've been doing that for the for the last 5 or 7 years. So, बहुत सारी चीजें हम करते हैं और in a nutshell, everything that is related to TV, radio, podcasting and all, we've done all that. So, I grew up in Delhi. I was in Mount St. Mary's. I went to an embassy school before that. So, I actually started Hindi in class 4. But क्योंकि मैं दिल्ली में रहा तो मेरी हिंदी काफी अच्छी हो गई और हर किसी की तरह मेरी हिंदी क्रिकेट पिच पर शुरू हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हिंदी थी। बट हाँ, मैं स्कूल बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मैं टेनिस काफी अच्छे स्टेट लेवल तक खेलता था और हुनर था मुझ में, लेकिन क्या मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता था? नहीं, तो काफी हाई लेवल तक खेला मैंने और क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, लेकिन शायद उतना लेवल तक मैं नहीं खेल पाया था, तो यू नो आई केप्ट इट टू दैट, बट आई हैड अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग स्कूलिंग। I was a very, very good student. But how should I say this? हमारी जो बचपन की जो CBSE पढ़ाई थी, मैं रट्टू तोता था, तो मेरे मार्क्स 90s में आते थे, मतलब मेरे क्लास 12 में 99 आए थे इकोनॉमिक्स में। आप समझ सकते हैं कि आज की डेट पे बहुत आसान बात है, लेकिन 2000 में 99 इकोनॉमिक्स, I was in top 1% in our country. और वो स्टडी सिस्टम ही ऐसा कुछ था कि बहुत ही बिल्कुल कह सकते हैं
वायबल नहीं था। तो जब मैं एमबीए करने की सोच रहा था तो उस समय मेरे को रियलाइज हुआ था कि देखो मैं रट तो लूंगा, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया उस समय, और वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था कि लोग या तो बीकॉम करते थे या इकोनॉमिक्स करते थे, और वो भी बहुत आसानी से मैंने कर लिया। मतलब एक महीने की पढ़ाई में मैं 6 फुट के नोट्स सीख लेता था, और ये कंड्यूसिव नहीं था और मुझे ये शायद नहीं करना था। तो उसकी वजह से थोड़ा एडवांटेज मेरा हो गया सालों के बाद, जब मैं एक रेडियो ऑनलाइन हंट जीता और बम्बई आ गया। बट आई वुड से यस, माय स्कूलिंग वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ एकेडमिक्स एज वेल एज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और उसकी वजह से जब मैं प्रोफेशनल फील्ड में आया मेरे लिए बहुत आसान था ये, क्योंकि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी परफॉर्मेंस देना, एक्टिंग करना, ये सब करना, ये मेरे लिए बहुत आसान था। So I guess this has been my child. So you know, unfortunately, a lot of people say that they had a very struggling life in the media world. I didn't at all. मतलब आज तक God's grace की वजह से आज मैं 18 साल से वीजे हूँ, 15 साल से रेडियो जॉकी हूँ, अभी भी जब मन करे एक्टिंग करता हूँ। तो मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं था, तो मैं उसको रोमांटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बम्बई आया था एक आरजे हंट जीत के, 10 महीने के बाद मैं एक मॉडलिंग हंट जीत गया था इंडियाज हॉटेस्ट मैन का खिताब, उसके बाद मैंने सीरियल शुरू कर दिए, सीरियल करते करते मैं एकता कपूर के सीरियल में चले गया, उसके बाद मैंने फिल्में कर ली क्योंकि लोगों ने देखा, फिल्मों के बाद जब लोगों में रिसेशन आया तो वापस अच्छे पैसों के साथ मुझे ऑफर किया। सो आई विल गिव एन एग्जांपल, व्हेन आई स्टार्टेड रेडियो इन 2002 तो लोग बोल रहे थे कि क्या यार इसमें पैसा है कि नहीं। उस जमाने में 2002 में मेरे को 4.5-5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, विच वॉज double of what any MBA was getting, and I had not even started my MBA, so I never really struggled, you know, and it's not like I came with anything. मैं अपने माँबाप से कुछ पैसा वैसा लेके नहीं आया था, ऐसा कुछ था नहीं, मैं ही provider था हर चीज का। लेकिन यहाँ पे आके ही मैं बोलना चाहता हूँ कि हर किसी की स्टोरी वो स्ट्रगल वाली नहीं होती है। मेरी स्ट्रगल कुछ और स्ट्रगल थी, जब 2007 में मुझे बोला गया था कि यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट शाहरुख खान, ग्रेट मैगजीन ने यह छापा था, क्योंकि मैं 5 सीरियल कर रहा था, मैं फिल्में करके आया था, I was nominated at some award functions also, you know, for Awara Pat, jinno bhi dekha tha. To mera struggle kuch aur struggle tha. Logon ne ye socha tha ki ye ban jayega superstar television ka, ya phir filmon mein bahut bada artist ban jayega. Aur mujhe fame ke piche kabhi kuch tha hi nahi, because main na to yahan kabhi actor banne aaya tha, ye sab main literally economics karke aaya tha, yahan pe economics hi kar raha tha. Maine realize kiya ki ye 5-6 cheeze karke मेरे पास काफी कुछ और होगा करने के लिए, and I found it very easy. So it wasn't that kind of struggle. The struggle was very different, and the struggle still continues to be that. It was never to do a medium. आज भी जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, 6 months back मेरा पॉडकास्ट वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट रेटेड पॉडकास्ट था, आर्चवेल स्टूडियोज, दैट इज केट विंसलेट, सॉरी हैरी एंड मेगन मार्कल का, मुझसे बस थोड़ा सा ऊपर था। सो द स्ट्रगल वॉज नॉट दैट, सो इट वॉज योर ओन फाइट. So it is not like I had to prove anything to anybody. So, कई बार मैं ये लोगों को ये भी समझाना चाहता हूँ, it's not about rags to riches story या फिर zero से hero बनने। कई बार क्या होता है, आप यहीं से आते हैं और यहाँ से करते करते इसको maintain करना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल बात होती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये struggle मेरी जारी है to maintain that. 2003 में मैं VJ बना B4U का, 18 साल के बाद भी मैं VJ हूँ कि सर आप 41 years के हैं, आप लगते नहीं है 41 के। तो ये भी एक स्ट्रगल होती है, आपको ये मेंटेन करना है। तो हर स्ट्रगल जो रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी होती है, या तो क्योंकि आपने उसको पब्लिश नहीं किया होता है तो लोग रोमांटिसाइज नहीं कर सकते और सिंपथाइज नहीं करते, तो आई थिंक मुझे सिंपथी नहीं मिलती है मेरे स्ट्रगल के लिए, क्योंकि मैं सुर्खियों में ऑलवेज था और मेरे पास ऑलवेज काम था, और मेरा स्ट्रगल ये था कि क्या मैं इस काम को और बेटर कर सकता हूँ, अपने आप को थोड़ा आगे ले जा सकता हूँ, वो मेरी स्ट्रगल थी। सो यू नो फॉर मी every single time I have been able to do something brand new, you know, cricket ka main bahut premi tha aur cricket ki mujhe knowledge bahut thi, kuch cheeze shayad fall nahi ho payi, nahi to pehla IPL main hi host kar raha hoga. Kai saalon ke baad jab mere ko, maine abhi UPSC host kiya tha ultimate cricket challenge task force ke liye Apurva Lakhia ke sath, main jab wahan gaya tha to bahut sare logon ne mujhe ye bola tha ki yaar Salil, you know, is no longer that guy, kya pata why we taking him. और जब मैंने शुरू किया तो वहां पे क्रिस गेल भी पागल हो गया था और युवराज सिंह मेरे साथ था, और सबने बोला वाओ यार, व्हाई हैव वी नॉट बीन एबल टू यूटिलाइज दिस अर्लियर. तो मेरा ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहा है जब मुझे अपूर्वा लाखे ने आके बोला कि ब्रदर बिफोर द शूट एवरीथिंग इज ऑन यू, प्लीज मेरी जान बचा लेना, 5 मिनट्स इनटू शूट यू आर अ रॉक स्टार, दे कांट डू विदाउट यू. तो ये एक मोमेंट बहुत कमाल के लिए था मेरे लिए, बिकॉज आई नो दैट यू नो देयर आर सो मेनी पीपल दैट हैव ऑलवेज सेड how and why him. जब मैंने Spotify स्टार्ट किया था
पीआर कंपनी जो स्पॉटिफाई की है एडलमैन, वेरी बिग पीआर फर्म, जब मैंने वो स्टार्ट किया था तो उन्नी जो स्पॉटिफाई के हेड है, ही हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन मी एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द शो सो आई गॉट पीपल लाइक डिफरेंट आर्टिस्ट. सो तापसी वाज माय फर्स्ट गेस्ट, स्वरा भास्कर, श्री गौर गोपाल दास, श्री श्री रविशंकर, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, आशीष चंचलानी, प्रोजेक्ट अकोड़ी, हर एक फील्ड से सबसे बड़ा आर्टिस्ट आया था. पर पीआर फर्म ने ये बोला था, हाउ डिड ही मैनेज टू गेट सच बिग स्टार्स, वी आर प्लेजेंटली सरप्राइज. अगेन एक्सपेक्टेशन लोगों की मेरे साथ ऑलवेज रही है कि ये तो मिड लेवल आर्टिस्ट होना चाहिए, ये ए लेवल आर्टिस्ट में कैसे कर पा रहे कन्वे. दिस अगेन वॉज वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. 2007 में आवारापन मॉर्निंग 9 o'clock जब फर्स्ट शो खत्म हुआ था, करण आदर्श का मुझे एक मैसेज आया था कि कंग्रेचुलेशंस, यू आर द न्यू स्टार ऑन द होराइज़न फॉर विशेष. एक आउटसाइडर के लिए, 27-year-old लड़के के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज हमें पता ही नहीं था व्हाट इज फिल्म. फर्स्ट पीपल दैट गॉट दिस काइंड ऑफ अप्रिसिएशन, इट वाज अ रियली बिग डील फॉर मी. मिलाप जवेरी ने बोला था कि ही वॉज ब्रिलियंट, यू नो, एंड कुछ उसमें मटेरियलाइज नहीं हो पाया, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. सो मुझे लगता है कि जो भी मैंने एक बार ऐसा किया है, हर बार जो मैंने ऐसा किया है, बहुत बड़ी बात रही है, बिकॉज आई गेस मुझे अपने अंदर बहुत अश्योरेंस थी कि मैं ये कर पाऊंगा. और मैंने कभी ये नहीं सोचा लोगों के बारे में कि लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऑलवेज फैन का प्यार मुझे शायद इतना नहीं मिला जितना प्रोडक्शन हाउसेज और जो लोगों के साथ मैं काम करता हूँ. जैसे कि मैं अभी एक जेंटलमैन के साथ काम करता हूँ जो मेरे साथ 15 साल से शोज कर रहे हैं, मतलब 10 साल से मैंने सचिन तेंदुलकर के शोज किए थे. और पहली बार जब मैंने अविवा लाइफ इंश्योरेंस के लिए सचिन के साथ शो किया था, 3.5 घंटे का शो था विदाउट एनी स्क्रिप्ट, मतलब कि ऑडियंस भी दंग रह गई थी कि इसको इतनी नॉलेज कैसे है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. उन्होंने समीर कोचर से, हर्षा भोगले से, गौरव कपूर से एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एक सलील आचार्य ने आके ये कर दिया, अगर ये कर दिया वाओ, और अगर इतना कर दिया तो और कहीं क्यों नहीं है. सो आई गेस दैट्स ऑलवेज बीन माई केस एंड दैट्स माई बिगेस्ट अचीवमेंट टू बी एबल टू स्टिल कंटिन्यू टू सरप्राइज आफ्टर ऑल दीज इयर्स. एंड आई गेट सो एक्साइटेड बिकॉज आई लव इट एज अ चैलेंज, बिकॉज फॉर मी इट्स नॉट अ चैलेंज, बिकॉज मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, मैंने जिंदगी भर से 20 साल से प्रिपरेशन कर रखी है, लेकिन दूसरा जो क्लाइंट होता है जब वो सरप्राइज हुआ था, दैट्स माय बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. कोविड ने हर किसी की लाइफ बदल दी एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अस दैट वर वर्किंग वेरी हार्ड, लाइफ बहुत फास्ट पेस से चली थी. बॉम्बे में जो रहते हैं लोगों की लाइफ बड़ी फास्ट पेस रहती है, बिकॉज फॉरएवर आप शाहरुख खान के साथ कम्पीट कर रहे होते हो, फॉरएवर आपको ये लगता है कि एक दिन मेरे कुछ सपने होंगे जो मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा. सो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ था कि मैं उस भाग दौड़ उस रेस में था. मेरा बेटा जब पैदा हुआ था 3.5 साल पहले, जिस साल में वो पैदा हुआ था 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, 49 वीकेंड्स के लिए आई वॉज शूटिंग, ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, दिस दैट एंड द अदर, अलग अलग शोज, मंडे टू फ्राइडे का काम ही था, लेकिन 49 वीकेंड्स पर भी मैं था. तो आई थिंक मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी फैमिली ने मुझे रीडिस्कवर किया, जो इतना आसान नहीं था मेरे लिए भी, बिकॉज मैंने 20 साल से 24 आवर्स काम किया है, सैटरडे संडे इंक्लूडेड एवरी डे. मेरे लिए वापस रहना एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट था कि मैं अपनी फैमिली को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ये भी था कि क्या मैं जिस हाई लेवल पर मैं परफॉर्म करता हूँ बाहर, क्या उसके 1% भी मैं कर पा रहा हूँ घर पे, बिकॉज आई वॉज लिटरली लाइक लॉस्ट, यू नो, नॉट फॉर की चीजें कहाँ रखी हैं, ये सब बड़ी क्लिशेड चीजें होती हैं, बट लॉस्ट की क्या मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ टू ट्राई टू बी द सपोजेड परफेक्ट फादर और हस्बैंड और पर्सन अराउंड द हाउस एंड ऑल, बिकॉज दैट्स नॉट मी. सो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी थी और वो एडजस्टमेंट लेवल एक आया था मेरे अंदर. डेवलप्ड अ सेंस ऑफ काम, आई प्रैक्टिस सम योगा, स्पेंड सम मोर टाइम विद माय वाइफ, विद माय चिल्ड्रन. माय सेकंड बेबी वाज माय डॉटर वाज बॉर्न जस्ट बिफोर कोविड एंड अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट बीन एबल टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड, शी इज 1.5 years old, बट आई थिंक आई बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट, यू नो, द सेंस अ लॉट मोर. आई बीन एबल टू अप्रिशिएट माय वाइफ एंड व्हाट ऑल शी इज बीन एबल टू डू एंड आई थिंk appreciate everything that happens in the house a lot more. You take it lots for granted because mera ghar mein yogdan monetarily zyada hota tha, obviously baat hai jo bahar zyada kaam karta hai. I think mere ko ye realize ho gaya ki mera kaam meri wife to aasani se kar payegi lekin main unka kaam bahut mushkil se kar paunga. So I think ye realization bahut zaruri thi aur ye bahut acha hua tha. Negative to of course ye baat ho jati hai ki I feel so sad that my 4.5 years meri beti bahar nahi ja payi hai. देखिए क्या होता है ना, जो पेरेंट्स दैट हैव चिल्ड्रन मच लेटर इन देयर लाइफ, यू नो, यू डू इट सो दैट यू आर सेट, होपफुली यू हैव इनफ मनी, ऑल दीस थिंग्स, ये सारी चीजें अगर हो जाती है तो आपने कुछ सपने बना रखे होते हैं अपने दिमाग में, मैं बेटे को यहाँ ले जाऊंगा, बेटी को यहाँ ले जाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो कराएंगे, ये सब. वो सारे सपने जो है ना, अब मुझे लगता है कि एक दो साल पीछे नहीं हुए हैं,
वो टोटली रीअसेस हो गया। तो आपको ऑलमोस्ट रीडिजाइन करने पड़ेंगे वो सारे सपने जो आपने सोचे थे या फिर आपने रखे थे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अब उनकी रियलिटी बहुत ही अलग हो जाएगी। उनकी रियलिटी ये है कि हम क्या हर किसी को हग नहीं कर सकते, हर किसी को हम मिल नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है मेरी। मैंने रिसेंटली एक सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था और मुझे ये बहुत दर्द होता है क्योंकि मैंने ये जिंदगी इस तरह काम इसलिए की ताकि ये 20 साल अपने बच्चों के साथ में मौज में मना सकूं, लेकिन उस 20 साल में से 2 साल निकल चुके हैं और शायद 4-5 साल और भी निकल जाएं। तो मैं एक्चुअली स्पीकिंग तो मेरी पूरी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन खराब हो गई। और तभी शायद ये लोग बोलते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो तजुर्बा होता है उनको बोलते हैं कि आपकी सारी प्लानिंग जो है ना वो ऊपर वाला और नेचर दोनों ऐसे एक सेकंड में काट देता है। तो आई थिंक ये भी एक अच्छी रियलाइजेशन हुई है कि आप अपनी डेस्टिनी के हकदार नहीं है, आप सिर्फ एक पाथ पर चल सकते हैं, लेकिन ऑलवेज एक हायर अथॉरिटी होती है जो आपके सबसे वेल प्लान्ड जो भी डिसीजंस होते हैं उसका चकनाचूर कर सकते हैं। एक अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती तो सबसे पहले मैं स्टॉक मार्केट में 20 साल से हूँ तो शायद मैं बहुत पहले स्टॉक मार्केट में चले जाता और उसके एक दिन चले जाता, फिर हम लोग बहुत पैसा कमा लेते। बट दैट्स आई एम जस्ट जोकिंग देयर। बट एसेंशियली आई डोंट थिंक आई वांट टू रीलिव और चेंज एनी पार्ट ऑफ माय लाइफ। आई थिंक आई डन एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ, यू नो, एंड एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 1 or 2 years जहां सबकी लाइफ चेंज हुई है, आई डोंट थिंक आई वुड चेंज एनीथिंग इन माय लाइफ बिकॉज़ आई थिंक आई डिड everything that I want to do in my life, but I would want to go back into the 1970s, 1960s. I think from whatever I see across the world was a much more relaxed, a freer place. जहाँ life में इतना control नहीं था, आज life में इतना control है, चाहे वो social media हो, चाहे वो लोगों का control हो, चाहे वो everybody's programmed. और उसकी वजह से honest thinking, अलग thinking. Like I'm very careful, both my wife and me. My son is 3.5, he's almost 4. We've not shown him a TV yet. We don't watch TV also. You know, so it's a very different world. We want him to try and have his own world. And I think that is what I really miss with people around me. Everyone has, unfortunately, an agenda because wahi karna chahte hain. 60s, 70s, up until early 80s also. I think agenda nahi tha. Duniya bhar mein kafi log free the. ईरान इराक जैसे कंट्रीज भी इतनी फ्री थे, इतने खूबसूरत थे। और मैं जरूर उस टाइम मशीन में जाना चाहूंगा। यू नो आई थिंक द होल वर्ल्ड वाज रीबिल्डिंग इटसेल्फ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग एंड आई थिंक आई रियली मिस दैट टाइम बिकॉज मैं एक थोड़ा सा ओल्ड सोल हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं रियली एक ओल्ड सोल हूँ। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे मैं ओल्ड सोल हूँ। आई स्टार्टेड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। एट 25 आई हैड गिवन इट ऑल अप। मतलब आई जस्ट क्विट स्मोकिंग, आई क्विट ड्रिंकिंग एट 25। जब लोग एक्चुअली अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं, क्योंकि हो गया था, इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी, देखा शॉक पूरा। तो अब एट द एज ऑफ 40 आई फील कि इट्स फाइन। मेरा ऐसा कोई मटेरियलिस्टिक ऑब्सेशन नहीं है, ना ही कोई समय से कुछ ऑब्सेशन है, लेकिन हाँ मुझे पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सप्रेशन से ऑब्सेशन है कि आपको जो लाइफ में करना है एटलीस्ट एक मौका मिलना चाहिए। और आज की डेट पर लोग त्रास हो जाते हैं बिकॉज हर कोई हर कुछ चीज कर चुका होता है, there's nothing left to do. अगर आप आईटी में है तो ही आपका शायद मौका है। 60s, 70s, 80s में everything was brand new. So I just wish I could go back with this current brain of mine. क्या पता कुछ चीजें मैं कर पाता। You know, when people talk about role models, I unfortunately am not one of those people that idolized their teachers or people that around me because again whatever I was doing was something totally I was only doing it myself. I remember क्रिकेट का शौकीन था लेकिन मैं 1980s में टेनिस खेलता था। तो इंडिया में 1980s में टेनिस वाले सुपरस्टार्स थे नहीं। सो आई रिमेंबर स्पोर्ट्समैन एंड पीपल हैव बीन माय रोल मॉडल्स। आई रिमेंबर द वर्क एट पीट सैम्परस हैड। और लोगों को अजीब लगेगा कि टीवी पर्सनालिटीज आपके कैसे रोल मॉडल बन सकते, बट स्पोर्ट्समैन ऑलवेज मेरे बड़े रोल मॉडल। मुझे याद है कि कितना वो हार्ड वर्क करते थे। बिकॉज ऑफ दैट आई वेक आउट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, आई वुड ट्रेन, आई वुड डू ऑल दैट। When I grew up also, लोग फिक्शन बड़ा पढ़ते थे अपनी जिंदगी में। मैं मुझे फिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं था। So from a very tender age, I started reading about people's lives and I really read it like as if, you know, I followed them. So from Tom Cruise to Lakshmi Mittal's book to Andre Agassi to Steven Spielberg, you know, to the Ambanis to Ratan Tata, I have everyone's book. I just kept reading about them, from Elon Musk even to Donald Trump to everybody. I just was fascinated by how much people were able to do with their time. I realized also that for me, I didn't care about partying. I didn't care about making friends. I didn't care about doing the right thing in front of people just because aapko cheez achhi sahi karni chahiye. Mujhe lagta hai ki bahut sare log jo hai is
मतलब इस रट में पड़ जाते हैं कि मुझे वो भी करना जो मुझे पसंद है लेकिन लोगों को भी पसंद आना चाहिए। ये मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आई लाइक टू डू व्हाट आई थिंक इज राइट, इट्स नॉट ऑलवेज द राइट थिंग फॉर अदर्स, बट देन इफ यू हैव अ विजन एंड आई हैव एन एम्बिशन ऑफ दैट, आई थिंक दैट इज ऑलवेज हेल्प मी इन गुड स्टेड। सो आई हैव बीन फैसिनेटेड, सो इवन आई थिंक आई मस्ट हैव सीन फेसबुक अबाउट 1000 टाइम्स। I was obsessed with Arnold Schwarzenegger and I started working out because of him. I read his books, then I read about his life. And I really do believe that, you know, these have been my role models and not real people, because I think maybe the advantage is, real people se jab aap milte ho, aap disappointed bhi ho jaate. You know, aapko unke thode flaws dikh jaate hain, ye sari cheezein ho jaati hai. To film stars mere liye kabhi mere role models nahi the, kabhi nahi hue. But sportsmen, and not just the specific Sachin Tendulkar or whatever, इवन जस्ट लाइक जब मैं विविध रिचर्ड्स को के स्वैग के साथ उनको देखता था, कॉन्फिडेंस जिस तरह वो खेलते थे, तो मुझे लगता था कि क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है ऑन हिज एबिलिटी टू नॉट प्ले विद अ हेलमेट, यू नो। सो आई रिमेंबर थिंकिंग अबाउट दैट ही मस्ट हैव मेड हिमसेल्फ सो गुड, दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू प्ले लाइक दिस, यू नो। सो आई थिंक स्पोर्ट्स हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माय लाइफ। द नंबर वन थिंग दैट एवरीबॉडी इन आवर इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, नॉट जस्ट द मीडिया इंडस्ट्री, नॉलेज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू नॉलेज। Now, if you were to become a banker, you'd have to have tremendous knowledge about finance and various other things. And the assumption is that you don't need enough knowledge and everything is very practical oriented when you come into a life. Not at all. I was an economics honors student when I came into the industry. At the age of 24, I opened a lights company because I realized that, yaar, main 24 ghante shooting kar raha hu. Main 5 serial ki shooting kar raha hu. Agar main apne lights bhi usko use kar lu usme, to main double kama paunga. Maine lights ki company khol li. और ये स्ट्रीट स्मार्टनेस तब आती है जब आप थोड़ा सा समझ पाते हैं। फिर मैंने लाइट्स की नॉलेज बनाई, फिर मैंने कैमरा की नॉलेज बनाई, मैंने प्रोडक्शन हाउस खोला। 2015 में जब इंसाइट एंटरटेनमेंट चाहिए था, किसी ने मुझे अप्रोच किया, मैंने ऑडियो एंड विजुअल जो आप टीवी स्क्रीन पर एयरलाइंस में देखते थे, मैंने वो बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे को रिलाइज हुआ कि आई डोंट हैव इनफ कॉन्टेंट, सो आई सॉ कॉन्टेंट एवरीवेयर। So I increased my knowledge. I was able to get more people. And then I was able to take almost 20 programs into the airlines. So I realized that knowledge was my only advantage. When I did radios, I read. So I remember one incident, I must say, that I remember when Sachin Tendulkar was the head of Mumbai Indians and they sent Karim Pollard in number 8, 2012, 2011 or something it was. And I remember saying, this is absolute rubbish. And I was really upset on radio. And my CEO that time said, yaar, you are in Bombay. You are saying that Sachin is wrong. Maine kaha, yes, exactly. Trust me, I know. Because I said, in Mumbai Indians, there is nobody who can go against what Sachin says. So his decision to send Pollard at number 8 was wrong and they lost that match. So I remember, so my teachers and my people around me also started trusting the fact that it does not just talk without knowledge. And I kept reading. So even when I was in the stock market, 20 years I've been in the stock market, in the cryptocurrency world, whatever, you know, I've always read about it. And I have learned about it. I made mistakes on my own, and that is the only way. People say that you learn from other people's mistakes. It's wrong. You can only learn from your own mistakes. Because whenever it happens, like even corona, for example, you never think it'll happen to you. You think it happened to somebody else. आपको पता है इंजेक्शन कौन सी लेनी है, आपको पता है कि दवाई कौन सी लेनी है, but फिर भी अंदर ही अंदर you say कि यार मुझे हुआ नहीं, मेरी immunity strong. So, you know, the lies will always get separated if you have the right knowledge. That's the number one thing that you need to come into any industry. And secondly, you have to have the fear of failure. You have to have the fear of failure. You must always remember that it is the only industry. It's like golf. When Tiger Woods used to say, it is the only sport in the world that a ranked 500 person can come and win the Masters because he has one good round. Not in cricket. It can't happen in cricket, can't happen in tennis. But in golf, it can. And it has happened over the past. And that's how Tiger Woods, by the way, was born himself in 99 in Augusta. So I always, 97 actually, I always say that you have to have the fear of failure because there is somebody, not somebody, there are many people better than you, that charge lesser than you, that the world will love more. People are fickle. Logon ke taste, mood swings, sab change ho jaate. So you must always be prepared. And Shah Rukh Khan used to always say, he's always looking over his shoulder. Salman Khan used to always look over his shoulder. Ritik Roshan, always. I remember Shah Rukh Khan when Ritik Roshan came with Kahona Pyar Hai and you know he was on stage and he was giving the awards. वहाँ पे थोड़ा current था. He was feeling, यार Ritik सब कुछ ले जा रहा है, उसके muscles हैं, वो dance कर पा रहा है. It hurt Shah Rukh and that's when I realized कि यार
he's a real performer. क्योंकि बुरा लगना चाहिए, अगर आपको बुरा नहीं लगता है तो आप इस लाइन को छोड़ के चले जाए. So these are the two things. बाकी सब is okay. Connections, contacts, this, that, it doesn't matter. And you can change your line. But knowledge and fear of failure are the only two things you need to succeed in our life. What do you do in your free time? I really don't think that this is work. I mean, if people told me that you would make all this money while you were speaking on radio, speaking your mind, I would laugh. Matlab yaar, I am so lucky to still have jobs and to still have some people that like me. Because essentially speaking, I'm not even a postgrad now. You see, I left it, right? So, मैंने वापस तो किया नहीं. तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई डिग्री की वजह से मैं यहाँ पे हूँ. क्वांटिफाई तो आप कर नहीं सकते लोगों का प्यार. हाउ डू यू नो? यू डोंट नो एनीथिंग. जब एक शाहरुख खान सुपरस्टार के होने के बाद 3 साल से कोई हिट फिल्म ना दे, ये हो सकता है. उस दिन का भी डिसाइड थोड़ी ना हुआ था कि फ्रॉम टुडे ही इज नो लॉन्गर अ स्टार. सो आई रियली डू थिंक दैट there is no way to really know what you're doing is absolutely right or what is not right. You just keep doing it, you just feel lucky, and that is what I do. So working out for me is part of my profession also, but I like doing it also. So that's my free time. So I work 24 hours a day, even social media. Yeah, I mean we put posts where we get paid for also. I mean, so for people who find it funny, I mean, I just put something, a film review today that, you know, was whatever. So I think we are very lucky and very fortunate to be able to make money out of our free time. And my free time is doing everything that I do. And so, yeah, I mean, this is exactly what I do. And I don't want to do anything else, man. Like I said, I don't care about partying. And the one thing that I love doing apart from this is gymming and traveling. That also is built into my workspace. So, yeah, that's it. I was young. I always had one line in my head. God helps those who help themselves. You have to be there for yourself. In the time I was like 6 or 7, I was there for myself. And I always wanted to be there and never have any crutch. So whether it was my parents, friends, my wife, my colleagues, never. You know, even till today, my obsession with being able to do everything myself is, tomorrow friendships can break, professional relationships can break, anything can happen. But, you know, like, for example, my podcasting started during the pandemic, but it never stopped me. I still managed to get in touch with every artist and all that, because there's no point in blaming the situation or the thing. So, like, God helps those who help themselves. Another very popular saying in my life was, a bad workman blames his tools. Aapke halaat kaise bhi ho, aapko karna hi hai. You have to deliver. And that is my message to everybody also. It doesn't matter. You know, there are people that are in worse or better situations than you. That doesn't matter. What matters is, can you deliver? If you can deliver, then you are fine and you will go ahead. Agar aap deliver nahi kar paaye, to koi farak nahi padta hai. Halat, situation, timing, ye always hoga. You'll always be too early or too late, brother. It's like the stock market. You always yaad rakhna. Aap kabhi bhi stock market mein timing nahi kar paayenge. Ek aad baar lucky ho jayenge. Lekin lambe time ke baad, aapko luck will catch up with you. So, always remember this. Just always be there for yourself and never blame the halat and consequences and situations and all that. You know, so find a way, and that's the only way. Dosto, ye thi ek RJ and VJ, ek versatile film and TV actor and incredible podcaster Salil Achani ki kahani. Aisi kahaniyan rozana sunne ke liye channel ko subscribe kare aur bell icon zarur dabaye. जी हाँ दोस्तों, और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपके पास भी मौका है अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का, तो आप भी साझा करें अपनी कहानी हमारे साथ, क्योंकि कहानियाँ बदलती है सोच, पैदा करती है नया जुनून और ले आती है हर एक की ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण। तो जल्दी से सुना दीजिए आप भी अपनी कहानी। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों, अगर साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ संभव है। तो आप भी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम, और लीजिए हर नई कहानी से एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।